नमस्कार, मैं हूं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं लाइव चीनी एक्सप्रेस। प्रस्तुत है आज की खास खबरें। आपको बताते चलें कि पुलिस कमिश्नरेट जब से लखनऊ में लागू हुआ कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रत्येक दिन कोई ना कोई पुलिस की छवि को धक्का पहुंचाने में लगी हुई है। ताजा मामला डंबा थाना बेहटा पुलिस चौकी का है, जिसके अंतर्गत एक बालक को रोका गया। जांच के नाम पर उसको रात भर थाने में लाकर रखकर पीटा गया। जब लोग इकट्ठा हुए और दबाव डालने की कोशिश की तो मुकदमे भी दर्ज नहीं किया गया तो उस बालक को छोड़ा गया। जब उसने पुलिस के खिलाफ तहरीर दी तो मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। चेकिंग के नाम पर जातिवादी मानसिकता के चलते संविधान का किया अपमान। राजधानी लखनऊ के थाना गुंडब्बा के लखनऊ भीम आर्मी जिलाध्यक्ष अरविंद अवतार ने अपनी टीम के साथ एक मामले की जांच के चलते अचानक पहुंचे। ज्ञात हो बीती तारीख में थाना गुंडब्बा अंतर्गत बेहटा चौकी हल्के में चल रही है चेकिंग के नाम पर बेहटा चौकी इंचार्ज मनोज मिश्रा ने प्रदूषण और इंश्योरेंस न होने पर जातिवाद मानसिकता के चलते आशीष चौधरी को जाति सूचक गालियां और मारपीट कर रात भर थाने में बैठाया और जबरन 151 का चालान कर धमकाने का काम किया है, जिसमें भीम आर्मी लखनऊ यूनिट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी से बात की और प्रथम सूचना दर्ज करने की मांग की, जिसमें उपस्थित रहे समाज व आजाद समाज पार्टी जिला उपाध्यक्ष शुभम चौधरी, चिन्हट ब्लॉक उपाध्यक्ष विपिन चौधरी, आजाद समाज पार्टी जिला महासचिव कमलेश भारती, डीकेटी विधानसभा अध्यक्ष राहुल गौतम, आजाद महेंद्र बाहुबली भीम आर्मी। लखनऊ से लाइव टीवी एक्सप्रेस के लिए अपराध संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। जी, जो प्रकरण हुआ है वो गलत है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है जातिगत भेदभाव के कारण किया है। और क्योंकि वीडियो में बताया भी गया है कि चमार कहने के बाद उसने मारना चालू कर दिया, क्योंकि ये कानून सबके लिए बराबर है। इंश्योरेंस अगर नहीं था तो चालान काट सकते, सीज कर सकते, मार नहीं सकते, किसी का अधिकार नहीं है। और अगर ऐसे में लड़कों का निकलने में भी दिक्कत आएगी, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तो फिर कानून का कोई मतलब नहीं था। जी, जो गलती करी है इन्होंने उसके लिए उनको सज़ा मिलेगी। जी, बराबर मिलेगी, पूरा हिसाब करेगी। ये आर्मी है और बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने किया है, मारपीट करी है, लाल है पूरा उसके पैर, उसका जी मैंने देखा हूँ, वीडियो में देखा हूँ। तो इसमें अगर वो कहते हैं कि गलत तरीके से फंसा रहे हैं तो मुमकिन नहीं, साफ साफ नज़र आ रहा है, चोटें आई हैं, मारा गया है सिर्फ चलान के नाम पर, जातिगत भेदभाव कारण मोछों के नाम पर, मोछे क्यों रखा रहे। जी, तो साहब होगा पूरा बेफिक्र रहे, कहीं से भी झुकने वाले नहीं है और रुकने वाले नहीं है। और दूसरी बात यह है कि दबाव जो दिया जा रहा है, इधर से कई सारे फ़ोन आ रहे हैं कि सुलह के लिए दबाव दिया जाएगा, बता दूँ सुलह नहीं हो सकता किसी भी मसले पर, कोई भी व्यक्ति इस मसले पर सुलह नहीं कर सकता, जिसको जो करना है कर सकता है। उसके बाद में हमारे साथ वहाँ पर लाठी मारे और उसको काफ़ी मारा वहाँ पर, तो लाठी भी तोड़ दी और ना हमारे पास इंश्योरेंस था और ना ही प्रदूषण था और हेलमेट ना लगाने पर चलान की धमकी दी उन्होंने हमको, वहाँ दो थप्पड़ मारे, उसके बाद चौकी पर लेके गए। लेके जा करके मनोज मिश्रा ने चौकी इंचार्ज बेटा वहाँ पर मारे, उसके बाद थाने में हमको बंद कर दिए और जाति का नाम पूछा कौन सी जात के हो, तो बोले हम चमार हैं, हमको काफ़ी मारा, दो डंडे भी तोड़ दिए मनोज मिश्रा ने। और हम बोला कि मूँछ आपके पास रखाओगे तो तुम्हें जेल करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, और ना ही मेडिकल कराने दिया, हमको धमकी दिया और वहाँ पर धमकी दे करके हमको कचहरी भेजे जमानत के लिए। जमानत करा उस रात को सामान लेने गया था बेटा और वहाँ पर मनोज मिश्रा ने हमारे साथ पूछा कि तुम्हारे गाड़ी के कागज़ दिखाओ, तो हमने कागज़ दिखे, मेरे पास आरसी थी और इंश्योरेंस और प्रदूषण नहीं था। और उन्होंने कहा तुम्हारा चालान हो गया, तो हमने बोला कि चालान कर दो और उन्होंने चालान नहीं किया, उन्होंने दो थप्पड़ हमारे मारे, उसके बाद चौकी पे लेके गए सर और हमें वहाँ पर मारा, तो हमसे पूछे जात कौन सी हो, तो मैंने बोला चमार जात के हैं, तो उन्होंने हमको काफ़ी मारा है और दो डंडे भी तोड़ दिए हैं, चौकी के अंदर काफ़ी मारा भी है उसके बाद, और हमको लेके गए थाने पे, थाने पे ले जा करके हमको धमकाया भड़काया, उन्होंने कहा मेडिकल करवाओ, मेडिकल ना करवाओ और नहीं तो तुम्हारी जेल हो जाएगी। और मनोज मिश्रा ने हमको धमकाया मेडिकल नहीं मेरा करवाया है, और मनोज मिश्रा दरोगा बेहटा के दरोगा हैं, उन्होंने कहा है कि अगर तुम मुँह पे मूँछ रखाओगे तो तुम्हारी जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा,
और सर हमको काफी मारा है और बिन भैया हमारी हेल्प करिए। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी के साथ।